हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बहने वाली गंगा की धारा को एस्केप चैनल यानी नहर बताने वाला शासनादेश रद्द ना करना उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। कई अन्य संस्थाओं के बाद हर की पैड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगा सभा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द से जल्द शासनादेश को रद्द करने की मांग की है। कई वर्षों से तत्कालीन सरकार से भी हमें आश्वासन मिले, लेकिन उन्होंने अपने आश्वासन के अनुरूप कोई निर्णय नहीं लिया और वर्तमान सरकार भी पिछले कुछ समय से हमें आश्वासन देती आई है और पिछले एक डेढ़ साल से, तो क्योंकि हम भी पद पे बैठे हैं और पिछले साल भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने शीघ्र ये निरस्त कराने का हमें आश्वासन दिया था और वर्तमान में भी हमारी शहरी विकास मंत्री से बात हुई है, उन्होंने बहुत सकारात्मक बात कही है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि उन्होंने अगर अपने वादे के अनुरूप अगर ये जल्दी ये कार्य नहीं किया और ये जो अधिसूचना और शासनादेश है जो निरस्त नहीं किया, वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं पूर्ण रूप से आशावान हूँ कि बहुत जल्दी ये शायद करेंगे वो, अगर नहीं किया तो निश्चित हम इस विरोध को हम बड़े स्तर पे लेके जाएंगे, अपनी मांग को, विरोध अभी नहीं कहूँगा लेकिन अपनी मांग को हम अपने और बड़े स्तर पे जाएंगे और सभी लोगों को संयुक्त रूप से सम्मिलित करते हुए एक सामूहिक रूप से हम इस मांग को उठा के निश्चित रूप से हम बहुत अधिक शीघ्र कराएंगे और नहीं तो जिस भी स्तर पे हमें जाना पड़े हम इस अपनी मांग को पूरी कराने के लिए हम जाएंगे। त्रिवेंद्र रावत की सरकार आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब ये शासनादेश रद्द होगा, लेकिन 3.5 साल से भी अधिक समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। हरिद्वार से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।